हेलो एवरीवन, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा जो है वो है क्रिस्टल सिस्टम। अब हमने यूनिट सेल जब पढ़ी थी तो उसके अंदर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाया था और उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर ए बी और सी यानी कि जो प्रिमिटिव्स थे वो इक्वल थे तीनों, और इंटरफेशियल एंगल था वो भी इक्वल थे यानी अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल और 90 डिग्री थे। अब हम क्या करें, इन अल्फा बीटा गामा और ए बी सी में कुछ चेंजेस कर दिया जाए, और चेंजेस करने से क्या होगा, नए शेप बनेंगे या नए शेप के क्रिस्टल लैटिस बनेंगे। तो इस तरीके से कई सारे क्रिस्टल लैटिस प्रिपेयर हो सकते हैं, तो जो क्रिस्टल लैटिस बनेंगे उन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम की जो डेफिनेशन होगी, द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर है आपको इसके अंदर। अब ये क्रिस्टल सिस्टम जो है, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए गए हैं, तो उन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है सिस्टम, प्रिमिटिव, इंटरफेशियल एंगल और उनके एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सारी यूनिट सेल जो है हमने क्यूबिक मैनर में बनाई थी। तो यहाँ क्यूबिक के अंदर प्रिमिटिव्स जो होते हैं यानी कि ए बी और सी जो होता है तीनों इक्वल होते हैं, और इंटरफेशियल एंगल जो होते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल है NaCl का क्रिस्टल, KCl का क्रिस्टल। अब इसको जो हमें 3D व्यू में देखते हैं, तो चलिए चलते हैं 3D की तरफ। क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव जो होते हैं ए बी और सी तीनों इक्वल होते हैं, और जो एंगल होता है अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर में ये सिंगल यूनिट मैंने आपको बताई है। अब इस स्ट्रक्चर में मैं क्या करूँ, इससे एक लैटिस बनाने की कोशिश करूँ, तो इस तरीके से ये लैटिस बनेगा, दिख रहा है आपको क्लियर। अब इस लैटिस के अंदर एक और यूनिट जोड़ूं तो इस तरीके का बना, इसमें और यूनिट जोड़ूं तो इस तरीके का बना, तो इस तरीके से हमारा ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम जो है वो है हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब इसके अंदर ए इज इक्वल टू बी यानी दो प्रिमिटिव तो सेम होंगे, लेकिन तीसरा प्रिमिटिव जो होगा वो चेंज होगा, यानी कि दो लाइंस जो होगी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर वो सेम होगी, और तीसरी लाइन जो होगी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। इंटरफेशियल एंगल वही रहेंगे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। इसका एग्जांपल जो है वो है SnSnO2। अब इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं 3D व्यू की तरफ। अब इस यूनिट सेल के अंदर देखा जाए तो एक जो लाइन है, सिंगल लाइन जो आपके सामने है, ये लाइन जो है इक्वल नहीं है ए और बी से। बाकी यहाँ पर देखा जाए ए और बी तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो ये सी लाइन है वो इक्वल नहीं है। तो आपके फ्रंट के सामने जो है उसको मैंने बोला ए और बी लाइन, और इसको पीछे करना चाहूँ ये सी लाइन, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके का बना, और एंगल जो है तीनों के तीनों 90 डिग्री के होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसका एक लैटिस बनाने की कोशिश करूं, तो चलिए बनाते हैं लैटिस। इस तरीके का लैटिस बनेगा, ये लैटिस देखिए आप इसके अंदर, और इसमें एक और जोड़ देना चाहूं इसके अंदर तो इस तरीके का हो गया। यहाँ पर एक और सीरीज जोड़ देना चाहूं तो इस तरीके का जो है यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम बन गया। तो इस तरीके से हमारा होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जो कि क्रिस्टल सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्रिस्टल सिस्टम जो है वो है ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, और अल्फा बीटा गामा जो होगा 90 डिग्री का होगा। इसका एग्जांपल्स जो है वो है BaSO4 का क्रिस्टल, KNO3 का क्रिस्टल। अब चलते हैं इसको और समझने के लिए 3D व्यू की तरफ। अब ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर देखा जाए, यहाँ पर ए बी कोई भी लाइन यानी ये दो लाइन और एक ये पीछे वाली लाइन, ये तीनों लाइन जो आपके सामने है जो 3-axis बना रही है, ये क्या इक्वल है, नहीं है। यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्लियर है यहाँ पे। तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस तरीके का मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है,
एंगल तो तीनों के तीनों 90 डिग्री होंगे और इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या करें, इस यूनिट सेल से मैं क्रिस्टल बनाने की कोशिश करूँ तो ये बन गया हमारा क्रिस्टल इस तरीके का, और देखें इसके अंदर और क्रिस्टल बनाने की कोशिश करूँ, इससे बड़ा क्रिस्टल बनाऊँ तो वो इस तरीके का बन गया, और मैं इससे क्रिस्टल बनाने की कोशिश करूँ जो है तीसरा, तो इस तरीके से जो मेरे पास है वो तीसरा जो है क्रिस्टल सिस्टम जो कि है ऑर्थोरोम्बिक बनाया। नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, बट इनके अंदर जो इंटरफेशियल एंगल होता है उनमें अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का होता है लेकिन जो गामा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी वो 90 डिग्री नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल देखें NaNO3 और ICl इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं 3D की तरफ। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल लैटिस में फर्स्ट बात करते हैं इनके इंटरफेशियल एंगल की। तो इंटरफेशियल एंगल के अंदर आपके सामने जो व्यू आ रहा है तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, लेकिन क्या नीचे वाला जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरी बात आती है इनके प्रिमिटिव्स की, तो इनके प्रिमिटिव्स जो देखे जाएं, यानी जो लाइंस है ये एक्सिस के अलोंग, ये तीनों लाइन जो है इक्वल है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से होता है हमारे रोम्बोहेड्रल की एक यूनिट सेल। अब यहाँ से इस यूनिट सेल से मैं क्रिस्टल लैटिस बनाने की कोशिश करूँ तो क्रिस्टल लैटिस में पहला जो बना मैंने इस तरीके से बना, यानी कि मैंने यूनिट सेल जोड़ी और इस तरीके से मेरा क्रिस्टल लैटिस बना। अब आगे बात करें इसके अंदर और बनाना चाहें तो इस तरीके से मेरा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अब यहाँ पर एक यूनिट और जोड़ दूँ तो इस तरीके से मेरा जो है एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना। देखिए आप इसके अंदर, तो इस तरीके से होता है रोम्बोहेड्रल का क्रिस्टल। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम जो हमारा है वो है इसके अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर दो प्रिमिटिव यानी ए इज इक्वल टू बी होगा लेकिन तीसरा प्रिमिटिव जो है वो इक्वल नहीं होगा। इनमें इंटरफेशियल एंगल अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होंगे लेकिन गामा 120 डिग्री होगा। इसका एग्जाम्पल क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम और क्रिस्टल ऑफ PbI2। अब इसको और एक्सप्लेन करता हूँ मैं 3D के जरिए, तो चलते हैं 3D के अंदर। हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में आप क्लियर देखिए इसके अंदर ए और बी प्रिमिटिव जो है सेम है, लेकिन ये जो हमारा सी प्रिमिटिव है वो सेम नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक लाइन लंबी दिख रही है और बाकी दो लाइन सेम दिख रही है। यहाँ पर ए और बी जो आपको दिख रहा है, लेकिन सी क्या है, सी जो है नॉट इक्वल है ए और बी के, जो कि ज़्यादा लंबा है। अब बात करें इसके अंदर एंगल की, तो एंगल के अंदर देखा जाए ये 90 डिग्री का बॉन्ड बन रहा है, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के होंगे लेकिन गामा ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो होता है हेक्सागोनल जो है एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। अब इससे मैं क्या करूँ, एक क्रिस्टल बनाना चाहूँ तो इस तरीके का क्रिस्टल बनेगा, और मैं जोड़ूँ इसके अंदर तो हमारे सामने इस तरीके का क्रिस्टल आएगा। इस तरीके से जो है हमारे पास एक हेक्सागोनल जो है क्रिस्टल सिस्टम बनता है। नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रिमिटिव्स जो है ए बी और सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। बट इसके अंदर इंटरफेशियल एंगल देखे जाएं तो यहाँ पर अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका एग्जाम्पल देखें CaSO4.2H2O। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका है बोरेट। अब मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर A एंड B एंड C आर नॉट इक्वल, तो देखिए यहाँ पर A, B, C तीनों लाइनें जो आपके सामने दिख रही है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। कोई भी एक एक्सिस ले लीजिए और यहाँ पे देखिए आप तीनों लाइनें A, B और C तीनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं यहाँ पे मोनोक्लिनिक। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा जो होंगे
अल्फा बीटा जो बॉन्ड एंगल होंगे, अब ये एक्सिस लिया, इसमें अल्फा बीटा बॉन्ड एंगल तो है वो है 90 डिग्री, लेकिन जो गामा बॉन्ड है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इससे क्रिस्टल सिस्टम बनाना चाहूँ तो ये क्रिस्टल सिस्टम इस तरीके का बनेगा, और बनाना चाहूँ इससे क्रिस्टल सिस्टम और बढ़ाऊँ इसको तो इस तरीके से आप क्या आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, और बढ़ाना चाहूँ तो इस तरीके से क्रिस्टल सिस्टम बनता है। तो ये हमारा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम देखें, वो है ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक के अंदर हमारे पास जो प्रिमिटिव जो होते हैं वो ए बी सी इक्वल नहीं होते हैं, यानी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। और यहाँ पर जो है अल्फा बीटा गामा जो इंटरफेशियल एंगल है तीनों ही इक्वल नहीं होते और तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते। अब इसका एग्जांपल जो है कॉपर सल्फेट और बोरिक एसिड। तो चलते हैं हम ट्राइक्लिनिक को समझने के लिए 3D व्यू की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम जो है वो है ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होते हैं और ए बी सी ये भी क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। तो इससे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे इससे मैं क्रिस्टल सिस्टम बनाना चाहूँ तो ये बना मेरे पास एक क्रिस्टल सिस्टम। इसी तरीके से आगे और बनाना चाहूँ तो ये क्रिस्टल सिस्टम, इसी तरीके से आगे और बनाऊँ तो इस तरीके का क्रिस्टल बनेगा। तो इस तरीके से हमने ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़े। अब बात करें इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो पैटर्न पर इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पैटर्न हमारा ये है कि बोल दिया जाएगा कि ये एक क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम है, उसके अंदर आप प्रिमिटिव्स बताइए और इंटरफेशियल एंगल कितना होता है ये बताइए। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दें कि राइट द प्रिमिटिव्स एंड इंटरफेशियल एंगल ऑफ द क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, और मैं कह सकता हूँ कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। और दूसरा पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको इंटरफेशियल एंगल दे दिया जाए और प्रिमिटिव्स दे दिया जाए और फिर पूछ दिया जाए कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया जाए कि अल्फा बीटा एंड गामा इज 90 डिग्री बट A is equals to B and B is not equals to C, then which type of crystal system? So that is tetragonal. तो ये दो pattern के question बनते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि इनको learn कैसे किया जाए। तो learn करने के लिए इनके trick मैंने आपके सामने ही लिख रखी है। तो हर crystal system का first word मैंने क्या किया, एक red color में लिखा है। तो इस red color वाले letter को लिया जाए तो हमारे पास क्या trick बनती है देखें। तो पहले से C, फिर T, फिर O, फिर R, फिर H, फिर M और T। इसको दो तीन बार बोलें, सिटोर एच एम टी, सिटोर एच एम टी, सिटोर एच एम टी। तो इस तरीके से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको लर्न हो गए। अब बात आती है इनकी प्रिमिटिव्स और इंटरफेशियल एंगल कैसे लर्न करें। तो इनके लिए क्या करना है, इसमें आप तीन तीन का सेट बना लें। तो पहला जो सेट बना है सी टी ओ, यानी क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। प्रिमिटिव्स को कैसे लर्न करना है, फर्स्ट में तीनों इक्वल, सेकेंड में दो इक्वल और थर्ड में तीनों अनइक्वल। इसी तरीके से इसी सी टी ओ में यानी क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर इंटरफेशियल एंगल देखें तो तीनों के तीनों जो हैं 90 डिग्री हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, इसमें आर एच एम ये तीन सेट लें। अब इसमें भी प्रिमिटिव का तो वही सेट रहेगा, पहले तीनों इक्वल, फिर दो इक्वल और फिर तीनों अनइक्वल। अब इसमें इंटरफेशियल एंगल देखें तो इंटरफेशियल एंगल में अल्फा बीटा तो हमेशा आपको 90 डिग्री बताने। फिर बात करें इसके अंदर रोम्बोहेड्रल के अंदर तो इसमें गामा जो है 90 डिग्री नहीं होता है। इसी तरीके से मोनोक्लिनिक में जो है 90 डिग्री नहीं होता है। तो लर्न कौन सा रखना है, ओनली फॉर अपने को ध्यान रखना है हेक्सागोनल, उसमें 120 डिग्री होता है। तो लास्ट बात आती है ट्राइक्लिनिक की, और ट्राइक्लिनिक में तीनों ही अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लर्न करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ नाम ही ध्यान रखना है। दो तीन बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से ये था आज का हमारा टॉपिक क्रिस्टल सिस्टम। इफ़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। धन्यवाद।